पावन स्पेशल घेवर बना रहे हैं हम। इसके लिए मुझे लगभग आधी कटोरी के आसपास मैंने घी लिया है, या कि 100, यानी कि 100 ग्राम घी हो गया। 1 किलो मैदा लिया है, लगभग लगभग 1 ग्लास मैंने दूध लिया है, और बर्फ़ कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं, और चिल्ड वाटर रखा हुआ मेरे पास। और अब सबसे पहले मैं एक खाली बर्तन में घी को निकाल लूँगा, और इस घी में मैं थोड़ी आइस क्यूब डाल के इसको क्रीम कर दूंगा, जिससे कि ये बिल्कुल क्रीमियर हो जाए। तो इसको मैंने जब आइस डाली तो मुझे अब इसे मिक्स करना है आइस से, जिससे ये क्रीमी हो जाए बिल्कुल। देखिए थोड़ी सी कुछ सेकंड्स में आपको ये वाइटनेस दिख जाएगी इस पर, यानी कि क्रीम होना शुरू हो गया। लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे से स्मूथ क्रीम कर देना है। तो आप देख रहे हैं ये कितना क्रीमी हो गया है। जब ये क्रीमी आपको लगे कि हाँ पूरा हो गया आपका घी क्रीमी, तो आप इसकी जो आइस क्यूब्स हैं इसको निकाल के आप अलग कर दें। अब ये क्रीम हो गया, अब इसमें मैं मैदा मिलाऊंगा धीरे धीरे, और मैदा मिला के इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगा। एक साथ नहीं मिलाना है आपको मैदा, धीरे 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 मैदा मिला के इसे मिक्स करना है आपको। और जब आपका थोड़ा मैदा मिक्स हो जाए, फिर आप इसमें और मैदा डालिए। इस तरीके मैं अभी इसमें धीरे धीरे मैदा मिला रहा हूँ, और जब थोड़ा मैदा और थोड़ा घी जब ये मिक्स हो जाएगा, तब मैं इसमें थोड़ा दूध मिलाऊंगा। लगभग जो मैंने 1 ग्लास लिया है, उसका आधा ग्लास इसमें मिलाऊंगा। अब मैं इसमें जो मैंने मिल्क लिया है, उसका आधा मिल्क इसमें मिला रहा हूँ। ठंडा दूध है, कोई भी चीज़ इसमें लेनी है, मैं इंश्योर करना है कि ठंडी लेनी चाहिए वो। देखिए दूध डालने के बाद सारा दूध इसमें डल गया, अब स्मूथ हो गया। अब मैं इसमें फिर दोबारा से मैदा डालूंगा, और फिर मैं मैदे को मिक्स करूंगा। अब मैं फिर इसमें दूध मिला रहा हूँ, सारा दूध मिला दिया मैंने। अब इसको फिर मैं स्मूथ करूँगा। आपको ये इंश्योर करना है कि इसमें कोई लम्स ना आए, जितना स्मूथ होगा आपका ये उतना ही अच्छा बनेगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि मैदे को एक साथ नहीं डालना, धीरे धीरे ही डालना है। अगर आप मैदा तेज़ डाल देंगे, पानी धीरे मैदा धीरे, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला वो हो जाएगा, इसमें लम्स आ जाएंगे। इसको बहुत फेंटना है आपको अपने हाथ से। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा ये फूल गया है मैदा आपका ये, बट हमें इसमें बाद में पानी मिला के इसको हम पतला कर लेंगे। इसको बहुत पतला बैटर जैसे होता है ना आपका, दूध जैसी कंसिस्टेंसी, वैसा आपको इतना डाइल्यूट कर देना है, और वो आपको यूज़ करना है। इस पतीले में मैंने घी को गर्म कर लिया है, और ये मेरा बैटर तैयार है। घी बिल्कुल उबलता हुआ होना चाहिए, उसमें हम इसे ऊपर से धार बना के डालेंगे। इसको हम ऊपर से धार बना के डालेंगे। जो सेंटर में आ रहा है उसको साइड में कर देंगे, और फिर बीच में से फिर डालेंगे आप इसे। जितनी धार देके ऊपर से डालेंगे उतना अच्छा बनेगा। ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें जाली आ गई है, अब धीरे धीरे ये पकना शुरू हो रहा है। जब एक बार ये पूरा पक जाएगा, तब हम इसे किसी नोकीली चीज़ की हेल्प से इसको हम निकालेंगे। ये देखिए आप, बिल्कुल सही आ रहा है इसका टेक्सचर। इसको पकने दें अभी, जब तक इसका कलर ना आ जाए। इस तरीके से निकाल लेंगे, इसका घी निकलने देंगे, और बाद में इसमें हम चाशनी डालेंगे और रबड़ी डालेंगे। इस तरीके से हमारा, देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है, और जाली बहुत अच्छी आई है। लगातार आप इस तरीके से आपके घेवर के रिंग्स पे रिंग्स बनाते रहिए, और उसका घी निकाल कर एक साइड पे रखते रहिए। थोड़ी सी रबड़ी डालिए, जिससे कि ये बहुत अच्छा लगे खाने में।